कोविड 19 से जूझ रहे मुंबई में राहत की उम्मीद नजर आई है। जहां जांच संक्रमण दर गिरकर 10% से कम हो गई है, बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने आज ये जानकारी दी। चहल के मुताबिक मुंबई में संक्रमण दर 29 अप्रैल को 9.94% थी, जब कुल 43,525 नमूनों की जांच में से 4,328 लोग संक्रमित मिले थे। जांच संक्रमण दर को जांच किए गए कुल नमूनों में से संक्रमित पाए गए नमूनों के अनुपात के तौर पर परिभाषित किया जाता है। चहल ने दावा किया, हमारी जांच दर 44,000 जांच के साथ अब इकाई में है। संभवतः मुंबई भारत का एकमात्र शहर है जहां ज्यादा जांच के साथ संक्रमण दर इकाई में है। नए मामलों में से 85% में लक्षण नहीं होने को रेखांकित करते हुए IAS अधिकारी ने कहा कि शहर में खाली बिस्तरों की संख्या आज दोपहर बाद बढ़कर 5,725 हो गई, जो मरीजों के भर्ती होने की संख्या में कमी को दर्शाता है। पिछले साल महामारी के दौरान बृहन मुंबई महानगर पालिका का कार्यभार संभालने वाले चहल द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े के मुताबिक अप्रैल की शुरुआत में मुंबई का TPR 20.85% था। इस महीने सबसे ज्यादा 27.94% TPR 3 अप्रैल को दर्ज किया गया था, जब कुल 51,313 नमूनों की जांच में से 11,573 लोग संक्रमित पाए गए थे। आंकड़ों से संकेत मिलता है कि 19 अप्रैल से जांच संक्रमण दर 20% से नीचे गिरनी शुरू हुई थी। इस हफ्ते के शुरू में महाराष्ट्र सरकार के कोविड 19 कार्यबल के सदस्य डॉक्टर शशांक जोशी ने कहा था कि महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में मुंबई बाजी पलटती हुई नजर आ रही है।